हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम जियोमेट्रिक करेक्शन इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जियोमेट्रिक करेक्शन क्या होता है। तो डिजिटल इमेज में जो जियोमेट्रिक करेक्शन होता है वो ज्यादातर जो है सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक काइंड ऑफ एरर होता है, जो कि अर्थ कर्वेचर की वजह से, प्लेटफॉर्म मोशन की वजह से, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, नॉन लीनियरिटीज स्कैनिंग मोशन में, या फिर अर्थ के रोटेशन, इन सारी वजहों से जब एरर आती है इमेजेस में। और इन्हीं सारे एरर्स को जब हम करेक्ट करते हैं, ये सारे जियोमेट्रिक एरर हो गए, और उसको करेक्शन करने के बाद इन सारे एरर को जियोमेट्रिक करेक्शन हो जाता है ये प्रोसेस। जियोमेट्रिक करेक्शन में दो तरह के प्रोसीजर आते हैं, सिस्टमेटिक करेक्शन और नॉन सिस्टमेटिक करेक्शन। तो अगर सिस्टमेटिक करेक्शन की बात करें तो सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं पहले, जिनके करेक्शन करने होते हैं। तो ये कुछ नाम है सिस्टमेटिक एरर्स के, जैसे कि स्कैन स्क्यू, नोन मिरर वेलोसिटी, क्रॉस ट्रैक डिस्टॉर्शन, अर्थ रोटेशन स्क्यू, प्लेटफॉर्म ऑल्टीट्यूड, प्लेटफॉर्म वेलोसिटी। ये सारे एरर्स क्या होते हैं, जैसे कि स्कैन स्क्यू जो होता है, ये तब होता है जब कोई स्पेसक्राफ्ट जो है वो फॉरवर्ड मोशन में आगे की तरफ बढ़ रहा हो, और वो इस टाइम में फॉरवर्ड मोशन में जब मिरर जो है एक लाइन को स्कैन करने के बाद जब मिरर स्वीप होता है दूसरी लाइन की तरफ, उस बीच में जब ये फॉरवर्ड मोशन में मूव होता रहता है, उस वजह से क्या होता है कि ग्राउंड का जो स्वैथ है स्कैन होता है, ये जो स्वैथ ग्राउंड का स्कैन होता है ये नॉर्मल नहीं रहता है ग्राउंड ट्रैक के। तो इस वजह से जो एरर आती है उसको स्कैन स्क्यू एरर बोलते हैं। नोन मिरर वेलोसिटी क्या होता है, ये जब स्कैनिंग मिरर की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, उस वजह से माइनर डिस्टॉर्शन आते हैं इमेजेस में, तो उसको नोन मिरर वेलोसिटी वेरिएशन बोलते हैं। ऐसे ही क्रॉस ट्रैक डिस्टॉर्शन जो है, ये ज्यादातर जब जो है क्रॉस ट्रैक स्कैनिंग होती है इमेज की उस टाइम पे अकर होती है, और जितने भी अनस्टोर्ड इमेजेस रहते हैं उसमें ये क्रॉस ट्रैक डिस्टॉर्शन आता है, और इस एरर को जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके रिस्टोर किया जाता है उन इमेजेस को। ऐसे अर्थ रोटेशन स्क्यू है, प्लेटफॉर्म ऑल्टीट्यूड की वजह से जब कोई वेरिएशन आता है उसकी वजह से, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी में कोई वेरिएशन आता है उसकी वजह से, ये सारे जो एरर्स हैं ये सिस्टमेटिक एरर्स हैं। और इस सिस्टमेटिक एरर्स को दूर करने के लिए जो सिस्टमेटिक डिस्टॉर्शन है इनको करेक्ट किया जाता है फॉर्मूला अप्लाई करके। और ये फार्मूला कहाँ से डिराइव होते हैं, इसके लिए पहले चेक किया जाता है कि जो डिस्टॉर्शंस हैं इसका सोर्स क्या है, उस सोर्स को आइडेंटिफाई करके उसके बाद मैथमेटिकली या फिर उसमें ऑर्थो रेक्टिफिकेशन करके जो है इन सारे करेक्शंस को रिमूव करते हैं। इसके बाद बात करते हैं नॉन सिस्टमेटिक करेक्शन की। तो नॉन सिस्टमेटिक करेक्शन में क्या होता है कि जब कोई दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना हो तो वहाँ पे नॉन सिस्टमेटिक करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए दो तरह के अप्रोच होते हैं, पहला तो इमेज टू ग्राउंड जियो रेफरेंसिंग और दूसरा इमेज टू इमेज जियो रेफरेंसिंग। तो इमेज टू ग्राउंड जियो करेक्शन में क्या होता है कि जो रॉ इमेजेस है आपकी उसकी जियो रेफरेंसिंग नहीं है ग्राउंड के थ्रू, वो ग्राउंड पे ओवरलैप नहीं हो रही है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे, तो इसको जियो रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी। और इसकी जियो रेफरेंसिंग में क्या करते हैं कि जो ये कंट्रोल पॉइंट है, जैसे इस इमेज की जियो रेफरेंसिंग करनी है तो इस पर कुछ कंट्रोल पॉइंट्स होंगे जिनके हमको एग्जैक्ट नोन लोकेशन जो है पता होनी चाहिए। अब ये GCP जो है ग्राउंड के थ्रू कलेक्ट किए जाएं या फिर किसी और अनदर इमेज से जो करेक्टेड इमेज हो वहाँ से हम इसके कोऑर्डिनेट जो है लैट लॉन्ग का रेफरेंस लेके जब इस इमेज को GCP पॉइंट के थ्रू करेक्ट करते हैं और वापस जो है अर्थ को अर्थ पे इसकी करेक्ट लोकेशन के साथ जियो रेफरेंस कर देते हैं तो ये इमेज टू ग्राउंड जियो करेक्शन हो जाता है। उसके बाद इमेज टू इमेज करेक्शन में जो है ये दो इमेजेस के बीच करेक्शन होती है, एक इमेज है जो कि जियो रेफरेंस नहीं है और दूसरी इमेज जियो रेफरेंस है पर दोनों सेम लोकेशन की होनी चाहिए, तो जो नॉन जियो रेफरेंस्ड इमेज है उसको करेक्टेड जो इमेज है जियो रेफरेंस्ड वाली उसके लोकेशंस के साथ में जो कॉमन लोकेशंस होंगे उसके साथ में मैच करके जब जियो रेफरेंसिंग करते हैं तो वो इमेज टू इमेज करेक्शन हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप सबने GIS सॉफ्टवेयर में जियो रेफरेंसिंग की होगी तो आफ्टर सारे कंट्रोल पॉइंट असाइन करने के बाद जब रेक्टिफिकेशन की बात आती है जियो रेफरेंसिंग करने के लिए तो वहाँ पे आपसे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन पूछता है कि आप कौन से ट्रांसफॉर्मेशन में इसको जो है रेक्टिफाई करना चाहते हैं इमेज को। ये जो होता है पॉलीनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वहाँ पे आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का ऑप्शन आता है हर एक GIS सॉफ्टवेयर में। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं पिक्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम और इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। और इसमें जो है ये हर एक पॉलीनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट जो है इमेज में प्रोवाइड किए गए हैं।
क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि जैसे आपने चार कंट्रोल पॉइंट लिए हैं या फिर उसके लिए अलग नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे, थर्ड पॉलिनोमियल पे कर रहे हैं आप तो उसके लिए अलग कंट्रोल पॉइंट रिक्वायर्ड होंगे, तो ये कौन से पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितने नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट चाहिए होंगे उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, t+1 × t+2 / 2, जहाँ पे t क्या ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कि अगर आप थर्ड ऑर्डर पे कर रहे हैं तो 3+1 × 3+2 / 2 उसको कैलकुलेट करेंगे और जितना भी आएगा तो इसमें जो हमारा 4, 3, 2, 5, 20, 2, 10 पॉइंट अगर होंगे तो आप थर्ड ऑर्डर का जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन रन कर सकते हैं अगर आपके पास 10 कंट्रोल पॉइंट हैं। तो ऐसे ही ये ज़रूरी फार्मूला ही एग्जाम में आ सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए कितने कंट्रोल पॉइंट चाहिए या सेकंड ऑर्डर के लिए कितने कंट्रोल पॉइंट की जरूरत होगी, तो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद एक और फार्मूला है द एक्यूरेसी ऑफ ज्योमेट्रिक करेक्शन, ज्योमेट्रिक करेक्शन की एक्यूरेसी कितनी आ रही है, तो उसके लिए ये फार्मूला है जिसमें डी जो है ये डिफरेंस है इन डिस्टेंस बिटवीन अनकोरिलेटेड पिक्सल एंड कोरिलेटेड पिक्सल के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बेसिस पे एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद बात करते हैं रीसैम्पलिंग की। तो रीसैम्पलिंग क्या होता है, इसमें जो डिजिटल वैल्यूज हैं इनकी प्लेस को हम किसी नई पिक्सल लोकेशन पे असाइन करते हैं, वहाँ पे रीसैम्पलिंग की नीड होती है। रीसैम्पलिंग में हम या तो डिजिटल वैल्यूज को नई पिक्सल लोकेशन असाइन करते हैं या फिर जो पिक्सल साइज को हम चेंज करते हैं, तो उस केस में रीसैम्पलिंग की जरूरत पड़ती है। और इसको प्रोसेस बोलते हैं फिटिंग वन रास्टर ग्रिड टू न्यू रेक्टिफाइड रास्टर ग्रिड में फिट करने का प्रोसेस जो होता है वो रीसैम्पलिंग कहलाता है। और रीसैम्पलिंग में क्या होती है, जो हमारी इनपुट इमेज है उसको सोर्स ग्रिड बोलते हैं जिसमें एक जीसीपी एक तरह से असाइन करते हैं और एक आउटपुट ग्रिड की जीसीपी होती है, उसके बाद इनपुट ग्रिड की जीसीपी को जो है ले ओवर करते हैं आउटपुट ग्रिड के साथ, उसके बाद जो फाइनल इमेज आती है वो इनपुट वाली जो जीसीपी ग्रिड है आउटपुट वाली जीसीपी ग्रिड के साथ मैच होके एक फाइनल इमेज बन के आ जाती है। तो रीसैम्पलिंग जो है इनपुट और आउटपुट ग्रिड जो है ये एग्जैक्टली मैच नहीं करते हैं, तो इसीलिए जो है पिक्सल वैल्यू की नई लोकेशन जो पुरानी लोकेशन है उससे नई लोकेशन पे जब जाएगी तो उसका कौन सा लोकेशन होगा, कौन से ग्रिड में जाएगा, इसका डिसीजन लेने के लिए 3 मेथड्स बनाए गए हैं रीसैम्पलिंग के, जो कि नियरेस्ट नेबरहुड है, बाइलिनियर इंटरपोलेशन है, क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन है। तो नियरेस्ट नेबरहुड मेथड की बात करें तो नियरेस्ट नेबरहुड जो है ये इनपुट सेल वैल्यू जो है उसके क्लोजेस्ट में जो आउटपुट सेल वैल्यू आता है उसके थ्रू वैल्यूज असाइन होती है आउटपुट सेल के लिए। जैसे यहाँ पे 10 है, इसके क्लोजेस्ट में जो भी आउटपुट सेल की वैल्यू दिखेगी ये वहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो ये नियरेस्ट नेबरहुड का मेथड होता है जिसमें क्लोजेस्ट वैल्यू को पिक करते हुए आउटपुट जनरेट होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि पिक्सल डुप्लीकेशन हो सकते हैं, ड्रॉप आउट हो सकते हैं, स्टेयर स्टेप्ड हो सकते हैं। और बेनिफिट क्या है इसमें कि ओरिजिनल पिक्सल वैल्यू जो है इसमें मेंटेन रहती है और ये फास्टेस्ट मेथड है, ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फास्ट होने की वजह से। इसके रास्टर इमेज प्रोसेसिंग जब भी करते हैं हम लोग, रीसैम्पलिंग हो गई या फिर और भी जो भी है लैंड यूज, लैंड कवर क्लासिफिकेशन, रीक्लासिफिकेशन, सब में इन सब मेथड का इस्तेमाल होता है। इसके बाद बाइलिनियर इंटरपोलेशन दूसरा मेथड है रीसैम्पलिंग का। तो इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेट द आउटपुट सेल वैल्यू बाय कैलकुलेटिंग द वेटेज एवरेज ऑफ द 4 क्लोजेस्ट इनपुट सेल बेस्ड ऑन डिस्टेंस। इसमें जो आउटपुट सेल का वैल्यू है या आउटपुट सेल जो है ये अपने क्लोजेस्ट में जो 4 सेल हैं इनका वेटेड एवरेज जो आता है उसके अकॉर्डिंग में आउटपुट सेल की प्लेस जो है उस डिस्टेंस के बेस पे जो है आउटपुट सेल का प्लेस असाइन होता है। तो आउटपुट पिक्सल जो है आर एन एवरेज ऑफ द नियरेस्ट 4 ओरिजिनल पिक्सल, नियरेस्ट 4 जो ओरिजिनल पिक्सल है उसका एवरेज होता है आउटपुट पिक्सल। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ओरिजिनल पिक्सल की वैल्यू जो है उसकी इंटीग्रिटी लॉस्ट हो जाती है, ये स्लोअर है थोड़ा प्रोसेस। इसके बेनिफिट्स क्या है कि ये स्पेशली एक्यूरेट होता है और स्मूथ ट्रांजिशन होता है इसमें। इसके बाद जो अगला मेथड है वो है क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन। तो क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन क्या करता है कि उसमें जो हमने इससे पहले बाइलिनियर इंटरपोलेशन देखा उसमें वो नियरेस्ट के 4 पिक्सल का एवरेज लेता था, और क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन में ये नियरेस्ट के 16 ओरिजिनल पिक्सल जो है इनका एवरेज लेता है आउटपुट पिक्सल को जनरेट करने के लिए। और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें भी ओरिजिनल पिक्सल की वैल्यू जो है उसकी इंटीग्रिटी लॉस्ट हो जाती है, ये स्लोवेस्ट है, 16 पिक्सल्स का एवरेज ले रहा है, तो इसीलिए ये स्लो मेथड है थोड़ा।
और बेनिफिट है इसके कि शार्प इमेज मिलती है आपको, स्मूथ नॉइज मिलती है इसमें ना के बराबर एकदम। तो ये जो है ये क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन मेथड है। इसके बाद बात करते हैं कुछ मिसलेनियस प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स होते हैं। जैसा कि अभी तक के लेक्चर्स में हमने जो प्री प्रोसेसिंग में उसमें जियोमेट्रिक करेक्शन आज देख लिया, इससे पहले रेडियोमेट्रिक करेक्शन और एटमॉस्फेरिक करेक्शन, ये तीनों करेक्शंस के बारे में बात कर ली थी हमने और उसमें ये जो है चौथा मिसलेनियस प्री प्रोसेसिंग था। तो इसमें दो मेन प्रोसेस होते हैं, सबसेटिंग और मोजैकिंग। तो सबसेटिंग में क्या होता है कि कोई बड़ी इमेज आपने सैटेलाइट इमेज डाउनलोड की, वो पूरा एक टाइल ही डाउनलोड होके आ गया, पर आपको उतने की नीड नहीं है, आपको बस उसमें से किसी छोटा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी नीड है बस है। तो किसी बड़े इमेज में से जब आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को सबसेट करके, जिसको क्लिपिंग भी बोलते हैं, उसको कट करके बाहर निकाल लेते हैं, तो इस मेथड को जो है सबसेटिंग बोलते हैं। ब्रेकिंग आउट अ पोर्शन ऑफ लार्ज फाइल को जो इनटू वन और मोर स्मॉलर फाइल्स में जब डिवाइड कर देते हैं तो ये सबसेटिंग कहलाती है। और मोजैकिंग क्या होती है, मोजैकिंग इसी के ऑपोजिट हो जाती है, कंबाइनिंग मल्टीपल सीन्स टू कवर अ लार्जर एरिया। जैसे कि किसी इमेज है, जैसे ये इमेज है, ये आपको एक बार में आपने डाउनलोड की, एक बार में बस इतना ही एरिया एक टाइल में कवर हो पाया, पर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बड़ा है, तो आपने चार टाइलें इसके लिए डाउनलोड की और चारों टाइलों को जब एक साथ मर्ज करके मोजैक कर देंगे तो ये प्रोसेस जो है मल्टीपल सीन को कंबाइन करने का, इसको मोजैकिंग बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने जितना भी प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट था उसको खत्म कर लिया है। इमेज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में प्री प्रोसेसिंग के जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी करेक्शंस हैं, उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगले लेक्चर में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के साथ ही हम शुरुआत करेंगे। तो आप सबका इस लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।